नमस्कार, मैं वसंत रावल। आज मैं आपको बताने आया हूं अंक ज्योतिष के अंदर नामांक सात वाले व्यक्तियों का स्वभाव कैसा होता है, उनका व्यक्तित्व कैसा होता है, उनमें कौन सी खूबियां होती है, नामांक सात वाले व्यक्तियों के लिए कौन सी चीजें अनुकूल होती है और कौन सी चीजें प्रतिकूल होती है, ये सारी बातें आज मैं आपको विस्तार से बताने के लिए आया हूं। सबसे पहले मैं अंक ज्योतिष के इतिहास के बारे में बताना चाहता हूं। पूरी दुनिया के अंदर दो ही ऐसे देश हैं जिन्होंने अंक ज्योतिष की शुरुआत की, उसमें पहले नंबर पे आता है इजराइल देश। इजराइल देश के अंदर हिब्रू जाति के लोगों ने अंक ज्योतिष की शुरुआत की और उन्होंने नाम रखा कैल्डियन पद्धति। उसी प्रकार भारत देश के अंदर भी अंक ज्योतिष की शुरुआत की गई और उसका नाम रखा गया पाइथागोरस पद्धति। अभी मैं आपको और एक स्टेप अंदर लेके जाता हूं। अंक शास्त्र के अंदर तीन प्रकार के अंक निकाले जाते हैं, उसमें पहले नंबर पे आता है मूलांक, दूसरे नंबर पे आता है भाग्यांक और तीसरे नंबर पे आता है नामांक। अब ये तीनों में क्या फर्क है तो सुनिए। सिर्फ आपकी तारीख का टोटल मार के जो अंक निकाला जाता है उसे हम लोग मूलांक कहते हैं। जैसे कि कोई व्यक्ति की जन्म तारीख है 12, तो एक और दो क्या हो गए 3, तो हम कहेंगे उसका मूलांक है 3। किसी व्यक्ति की जन्म तारीख है 25, तो 2 और 5 7, तो हम कहेंगे उसका मूलांक है 7। तो इस प्रकार से सिर्फ आपकी तारीख का जो टोटल मारा जाता है और उससे जो अंक निकल के आता है उसे हम लोग मूलांक कहते हैं। दूसरे नंबर पे आता है भाग्यांक। ये भाग्यांक कैसे निकाला जाता है तो इसके अंदर आपकी पूरी तारीख को लिया जाता है, आपकी तारीख, आपका महीना और आपकी साल, ये सभी का टोटल मारना होता है। एग्जाम्पल के तौर पर मेरी तारीख है 19/4/1969, तो ये सभी अंकों का टोटल मारा जाता है और उससे जो अंक बाहर निकल के आता है उससे हम लोग भाग्यांक कहते हैं। तीसरे नंबर पे आता है नामांक। ये नामांक कैसे निकाला जाता है तो इसके अंदर आपको इंग्लिश के अंदर आपका नाम, आपके पिताजी का नाम और आपका सरनेम, ये सभी को इंग्लिश में लिखना होता है और इंग्लिश के हर लेटर को अपना एक अंक दिया गया है, टी को अलग, पी को अलग, एस को अलग, तो ऐसे इंग्लिश के हर लेटर को अलग अलग अंक दिया गया है और उन अंकों का जो टोटल मारा जाता है उससे निकलता है नामांक। अभी मैं आपको और एक चीज बताना चाहूंगा कि मूलांक और भाग्यांक इन दोनों के अंदर भी कौन सा ज्यादा महत्व का है, तो मैं आपको बता दूं जो भाग्यांक होता है ये मूलांक से भी ज्यादा महत्व रखता है। और एक बात, जब आपका नामांक निकाला जाता है तो जो नामांक का जो स्वामी होता है और जो भाग्यांक का स्वामी होता है, अगर ये दोनों एक दूसरे के मित्र हैं तो बहुत अच्छी बात है, सोने पे सुहागा जैसा फल मिलता है। लेकिन ठीक इसके विपरीत जाते हैं कि मान लो आपका भाग्यांक का जो स्वामी है और नामांक का जो स्वामी है, अगर ये आपस में शत्रु हो तो आपके लाइफ के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं, तकलीफें, अड़चने, विघ्न तैयार होता है। एग्जाम्पल के तौर पे कि मान लो आपका भाग्यांक है 1, तो उसका स्वामी कौन हो गया सूर्य, और आपका नामांक निकला 8, तो उसका स्वामी ग्रह कौन हो गया शनि। अभी सूर्य और शनि एक दूसरे के कट्टर शत्रु है, तो ऐसी स्थिति में हम लोग सलाह देते हैं कि भाई आप लोग अपना मूलांक चेंज नहीं कर सकते, आप लोग अपना भाग्यांक चेंज नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी तारीख फिक्स है, आप तारीख को बदल नहीं सकते, इसीलिए आपका मूलांक और भाग्यांक बदली नहीं हो सकता, वो जो है वही रहेंगे। तो फिर आपको क्या करना है, आपको अपने नामांक को चेंज करना है। अभी नामांक को चेंज कैसे किया जाता है
तो आपका जो नाम है उसके अंदर स्पेलिंगों में कुछ तो भी ऊपर नीचे किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो किसी लड़की का नाम है दीपिका, तो दीपिका के स्पेलिंग में क्या आता है, डी आई आता है। तो हम सलाह देंगे एक काम कीजिए, डी डबल ई कीजिए। डी डबल ई करने से उसका जो नामांक है उसमें चेंजेस होते हैं, और वो जो चेंजेस फिर हम लोग क्या करते हैं, उसके भाग्यांक के साथ मैच करते हैं। अगर आपका भाग्यांक और आपका नामांक अगर ये एक दूसरे के परम मित्र हो, यानी कि जो आपका भाग्यांक का स्वामी है और नामांक का जो स्वामी है, अगर ये आपस में एक दूसरे के परम मित्र है, तो आपकी लाइफ को काफी सपोर्ट मिल जाता है, सहारा मिल जाता है, और आपकी काफी तकलीफें कम हो जाती है। और अगर जो बहुत नसीबदार रहे तो आपका मूलांक, आपका भाग्यांक और आपका नामांक अगर तीनों एक दूसरे के मित्र रहे तो सोने पे सुहागा जैसा फल मिलता है। आइए और गहराई से मैं आपको बताने का प्रयास करता हूं। यहां पे देखिए नंबर लिखा गया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये आपके मूलांक भी हो सकते हैं, ये आपके भाग्यांक भी हो सकते हैं, ये आपके नामांक भी हो सकते हैं। आपको मैं बता दूं, हर अंक का अपना एक स्वामी ग्रह होता है। जैसे कि 1 का स्वामी ग्रह सूर्य, 2 का स्वामी ग्रह चंद्र, 3 का स्वामी ग्रह गुरु, 4 का स्वामी ग्रह राहु और शनि, 5 का स्वामी ग्रह बुध, 6 का स्वामी ग्रह शुक्र, 7 का स्वामी ग्रह केतु और नेपच्यून, 8 का स्वामी ग्रह शनि और 9 का स्वामी ग्रह मंगल। ये आपका मूलांक हो, भाग्यांक हो या नामांक हो, सभी के लिए ये नियम लागू पड़ता है। अभी मैं आपको बताता हूं नामांक को कैसे निकाला जाता है। तो आप देखिए, जैसे इधर नंबर लिखे हैं वैसे ही आपको एबीसीडी लिखनी है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू डब्ल्यू एक्स वाई जेड। तो आपको जैसे नंबर लिखे हैं वैसे ही एबीसीडी को लाइन से लिखना है, और आपको यह देखना है कि आपके नाम के अंदर जहां भी ए जे एस आता है वहां आपको एक नंबर लिखना है, आपके नाम के अंदर जहां पे भी बी के टी आता है वहां 2 नंबर लिखना है, जहां भी आपके नाम के अंदर सी एल यू आता है वहां 3 नंबर लिखना है। तो इस प्रकार से इस कोष्टक को आप नोट डाउन कर लीजिए, वीडियो को थोड़ी देर के लिए पॉज करके ये कोष्टक आप बना के ले लीजिए, और आपके घर के अंदर जो भी सभ्य हो सभी का आप इस प्रकार से इस कोष्टक से आप नामांक निकाल सकते हो। तो याद रहे कि आपका भाग्यांक और आपका नामांक इन दोनों के जो स्वामी हैं, अगर ये दोनों आपस में मित्र रहे तो आपकी काफी तकलीफें कम हो जाएगी। अभी मैं आपको और एक स्टेप अंदर लेके जाता हूं कि मान लो आपको कैसे पता चले कि भाई ये हमारा जो नामांक है उसका तालमेल हमारे मूलांक और भाग्यांक के साथ हो रहा है कि नहीं। तो उसके लिए मैंने और एक कोष्टक बनाया है, इसे ध्यान से देखिए। यहाँ पे भी वैसे ही लिखा है 1 का स्वामी ग्रह सूर्य, 2 का स्वामी ग्रह चंद्र, 3 का स्वामी ग्रह गुरु। तो इधर भी आपके नामांक लिखे हुए हैं, और ये आपके नामांक हो सकते हैं, ये आपके मूलांक हो सकते हैं, ये आपके भाग्यांक हो सकते हैं, और ये उनके स्वामी ग्रह है। अभी हम लोग थोड़ी देर के लिए मानते हैं कि ये आपके भाग्यांक है, इधर से हम शुरुआत करते हैं कि मान लो ये आपके भाग्यांक है। तो अगर मान लो आपका भाग्यांक 1 हो और उन लोगों के लिए अगर जो नामांक 4 6 8 आता हो तो समझ जाना कि उनको अपने स्पेलिंग के अंदर, अपने नाम के स्पेलिंग के अंदर कुछ चेंजेस करने हैं और इन नंबरों को लाने का प्रयास करना है। अगर आपका भाग्यांक और आपका मूलांक 2 हो और आपका नामांक 5 और 8 आता है तो आप समझ जाना कि आपको अपने नाम के स्पेलिंग के अंदर कुछ चेंजेस करने होंगे और ये लाने का प्रयास करना होगा। ठीक उसी प्रकार अगर आपका मूलांक और भाग्यांक 3 हो और अगर आपका नामांक 4 6 7 आता हो तो आपको अपने स्पेलिंग के अंदर कुछ चेंजेस करते हुए ये नंबर लाने का प्रयास करना चाहिए। तो मैंने पूरा कोष्टक बनाया है कि 1 से 9 वाले मूलांक और भाग्यांक वालों के लिए कौन से नामांक नंबर अच्छे नहीं है और कौन से नामांक नंबर अच्छे हैं। तो इस कोष्टक को ध्यान में रख के आप
अपना नामांक चेंज कर सकते हैं। अभी हम लोग और एक स्टेप अंदर जाते हैं कि जिसका भी नामांक साथ होता है उन व्यक्तियों का स्वभाव कैसा होता है, उनका व्यक्तित्व कैसा होता है, उनमें कौन सी खूबियां होती है, उनके लिए कौन सी चीजें अनुकूल और कौन सी चीजें प्रतिकूल होती है, ये सारी बातें हम जानने का प्रयास करेंगे। पहले तो मैं आपको बता दूं कि जिनका भी नामांक साथ होता है उन व्यक्तियों के ऊपर नेपच्यून और केतु का विशेष प्रभाव होता है, यानी केतु के अंदर जो गुण होते हैं वो सब उनमें ज्यादातर देखे जाते हैं। तो अभी हम लोग जानने का प्रयास करते हैं, नामांक सात वाले व्यक्ति अत्यंत बुद्धिमान, गुणवान, तेजस्वी, चालाक, चतुर, होशियार, वाक्पटु, तीक्ष्ण बुद्धि वाले, कुशाग्र बुद्धि वाले, अच्छी स्मरण शक्ति वाले लोग होते हैं। जिसका भी नामांक साथ होता है ऐसे व्यक्ति में और भी कुछ खूबियां देखी गई है। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि केतु धर्म और आध्यात्म का कारक है, इसीलिए नामांक सात वाले व्यक्ति बहुत ही विद्वान, ज्ञानी, धार्मिक, आध्यात्मिक होते हैं। ऐसे व्यक्ति स्वभाव से दयालु, उदार, सेवाभावी, परोपकारी होते हैं। नामांक सात वाले व्यक्ति धर्म के प्रति अतूट आस्था रखने वाले, ईश्वर के प्रति अतूट श्रद्धा रखने वाले लोग होते हैं। नामांक सात वाले व्यक्तियों को पूजा पाठ करना, होम हवन करना, दान पुण्य करना, यात्रा तीर्थ यात्रा करना, ये सब इन्हें बहुत अच्छा लगता है। केतु अचानक घटने वाली घटनाओं का कारक भी है, तो नामांक सात वाले व्यक्तियों के जीवन में बार बार वाहन अकस्मात के योग बनते हैं। उनके जीवन में एक से ज्यादा बार हाथ पे या फिर पैर पे मार लगना, मोच आना, फ्रैक्चर हो जाना, हेयरलाइन फ्रैक्चर हो जाना, ये सब होने की संभावना ज्यादा रहती है। मैं आपको ये भी बता दूं कि केतु मोक्ष का कारक है, इसीलिए नामांक सात वाले व्यक्तियों को ध्यान, मेडिटेशन, योग साधना, मंत्र अनुष्ठान करना, ये सब बहुत अच्छा लगता है। नामांक सात वाले व्यक्तियों को आत्मचिंतन, आत्ममंथन, ब्रह्मज्ञान, आत्मज्ञान, तत्वज्ञान, पराविद्या को जानना, मृत्यु के बाद क्या होगा जानना, ये सब इन्हें बहुत अच्छा लगता है। केतु रहस्यमय घटनाओं का कारक भी है, इसीलिए नामांक सात वाले व्यक्तियों को तंत्र विद्या, मंत्र विद्या, यंत्र विद्या, ज्योतिष विद्या, वास्तु शास्त्र की विद्या, रत्न शास्त्र, अंक शास्त्र, रेकी, हीलिंग जैसी चीजों को सीखना जानना बहुत अच्छा लगता है। केतु ध्वजा का भी कारक है, झंडे का कारक है, तो अगर कुंडली के अंदर गुरु केतु की युति होती हो और अगर गुरु कुंडली का कारक ग्रह माना बनता हो, फिर से कहूंगा, अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर गुरु कुंडली का कारक ग्रह बनकर केतु के साथ युति करके बैठा हो या फिर केतु के ऊपर अपनी पांचवी, सातवीं, नौवीं दृष्टि करता हो तो धर्म ध्वजा योग बनता है। तो ऐसे व्यक्ति जिनका नामांक सात होता है, अगर ऐसे व्यक्तियों की कुंडली में धर्म ध्वजा योग बनता है तो ऐसे व्यक्ति अपने पूरे जीवन के दरमियान या तो कोई नए मंदिर का निर्माण करते हैं या फिर मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा करते हैं या फिर कोई नए मंदिर के निर्माण में सहायक बनते हैं, ये देखा गया है। अभी हम लोग और डिटेल्स में जानेंगे कि जिनका भी नामांक सात होता है ऐसे व्यक्ति अपने जिम्मेदारियों के प्रति बहुत ही सजग होते हैं, अपना काम पूरी ईमानदारी, वफादारी, नीति से करने वाले लोग होते हैं। ऐसे व्यक्तियों को अपने काम के अंदर कुछ ज्यादा अच्छा करना, पहले से ज्यादा बेहतर करना, अपने कार्य के अंदर कुछ नवीनता लाना, ये सब इन्हें बहुत अच्छा लगता है। ऐसे व्यक्ति सिर्फ अपने फायदे के लिए काम नहीं करते, वो सामने वाले का भी फायदा देखते हैं, सामने वाले के लिए भी कुछ अच्छा करने का प्रयास करते हैं। ऐसे व्यक्ति अपने काम के अंदर दूसरों की दखलअंदाजी बिल्कुल पसंद नहीं करते, वो लोग अपना काम अपने ढंग से करना पसंद करते हैं। नामांक सात वाले व्यक्तियों का इंट्यूशन पावर, सिक्स सेंस पावर बड़ा स्ट्रांग होता है। ऐसे व्यक्तियों को भविष्य में घटने वाली घटनाओं का पहले से भास हो जाता है और ज्यादातर वो बातें सच भी होती है।
ऐसे व्यक्ति चाहे तो एक अच्छे मार्गदर्शक बन सकते हैं, एक अच्छे सलाहकार बन सकते हैं, एक अच्छे काउंसलर बन सकते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर बन सकते हैं, जिनका भी नामांक साथ होता है, ऐसे व्यक्ति एक अच्छे कथाकार, एक अच्छे प्रवचनकार, एक अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर, भाषणकार भी बन सकते हैं। और ये व्यक्ति बहुत ही अंदर से नीडर लीडर होते हैं और बहुत ही स्ट्रांग होते हैं। हर कठिनाइयों का डटकर सामना करने वाले, हर मुश्किलों का सामना करके अपने जीवन में आगे बढ़ने वाले लोग होते हैं। और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे उनके जीवन में बहुत सारा सुख आता है, सर्व प्रकार के सांसारिक और भौतिक सुखों की प्राप्ति करते हैं और समाज के अंदर मान सम्मान पद प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं। अभी हम लोग जानेंगे कि नामांक सात वाले व्यक्ति जो होते हैं उनके लिए कौन सी चीजें अनुकूल होती है, कौन सी चीजें प्रतिकूल होती है। तो नामांक सात वाले व्यक्तियों के लिए 22 जून से लेकर 23 जुलाई सबसे अच्छा समय माना गया है और 24 अगस्त से 23 सितंबर बिल्कुल अच्छा समय नहीं माना गया है। अगर इस समय के दरमियान कोई भी काम करे तो उसमें बहुत सारे विघ्न आते हैं। जिनका भी नामांक सात होता है उनके लिए शुभवार सोमवार और गुरुवार होता है। अगर ये दिन कोई भी शुभ कार्य करे तो उन्हें निश्चित लाभ होता है। उन्हें गलती से भी बुधवार और शुक्रवार के दिन कोई भी काम नहीं करना चाहिए। नामांक सात वाले जो व्यक्ति होते हैं उनको अपने घर के अंदर, अपने पहरवेश के अंदर, अपनी ऑफिस के अंदर, अपने घर की बेडशीट और अपने घर के पर्दों के अंदर इन कलरों का इस्तेमाल ज्यादा करना चाहिए। गुलाबी कलर, सफेद कलर, हल्के कलर, ये सब कलर अपने घर के अंदर, ऑफिस के अंदर, ड्रेसिंग के अंदर, पर्दे, बेडशीट के अंदर, ये सारे कलरों का इस्तेमाल ज्यादा करें। व्हाइट, गुलाबी, हल्के रंग, लाइट कलर ज्यादा इस्तेमाल करें। उन्हें डार्क कलर या फिर डार्क हरा या फिर रेडिश कलर का इस्तेमाल गलती से भी नहीं करना चाहिए। जिसका भी नामांक सात होता है उन्हें अग्नि दिशा और उत्तर दिशा, ये दिशाओं से ज्यादा लाभ होते देखा गया है। उन्हें नैऋत्य दिशा में नहीं जाना चाहिए। अभी मैं आपको और गहराई में बताना चाहूंगा कि जिनका भी नामांक सात हो और मान लो उनकी कुंडली के अंदर केतु नीच राशि में निर्बल हो तो, केतु पाप ग्रहों से दृष्ट, पाप ग्रहों से पीड़ित हो तो, अस्त का हो या फिर मृत अवस्था में हो तो उनके लिए हम क्या उपाय कर सकते हैं वो भी मैं बताना चाहता हूं। नामांक सात वाले व्यक्तियों की कुंडली के अंदर अगर मान लो केतु पीड़ित है या उनके जीवन के अंदर बहुत तकलीफें आ रही है, कठिनाई आ रही है, अड़चने रुकावटें आ रही है, ग्रोथ नहीं हो रहा है, प्रोग्रेस नहीं हो रहा है, तो उन्हें क्या करना चाहिए? तो पहला उपाय, ओम ह्रीम केतवे नमः, ओम ह्रीम केतवे नमः, ये मंत्र का रोज 108 जाप करें, गणेश जी की पूजा आराधना करें, गणपति जी का अथर्वशीर्ष का पाठ करें। केतु कुत्ते का कारक है तो काले कुत्ते को रोटी खिलाए। जो केतु है ये धर्म और आध्यात्म का कारक है, इसलिए जिसका भी नामांक सात है ऐसे व्यक्तियों को गुरु, ब्राह्मण, साधु, संत, महात्मा, पुजारी, योगी पुरुष, ऐसे व्यक्तियों को भरपेट भोजन करवाना चाहिए और उनके आशीर्वाद ग्रहण करने चाहिए। शास्त्र में लिखा है कि कुंजवत केतु, यानी कि मंगल की छाया है केतु, तो जिनका भी नामांक सात होता है ऐसे व्यक्तियों को मंगलवार के दिन किसी कर्मकांडी विद्वान ब्राह्मण को घर पे बुला के केतु ग्रह की शांति पूजा करनी चाहिए। और अपने घर के नैऋत्य दिशा के अंदर अगर कोई धर्म का झंडा लहरा है, यानी कोई झंडा, त्रिकोण झंडा हो, उसमें राम लिखा हो, और उसे अपने घर के नैऋत्य कोने में रखे थोड़ी ऊंचाई पे, तो भी लाभ होता है। प्रिय दर्शकों, जिनका भी नामांक सात होता है ऐसे व्यक्ति अत्यंत बुद्धिमान, गुणवान, तेजस्वी, चालाक, चतुर, होशियार होते हैं, धार्मिक होते हैं, दयालु, उदार होते हैं, परोपकारी होते हैं। जिनका भी नामांक सात होता है अगर ऐसे व्यक्तियों को कम समय के अंदर बहुत अच्छी उन्नति प्रगति करनी हो तो उन्हें धर्म के मार्ग पे जाना चाहिए, आध्यात्म के मार्ग के ऊपर जाना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। आपको अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।